अस्सलाम वालेकुम। आज माँ जी के दस्तरखान में चिकन जेलफ्रेज भी आपसे बोल लें, चिकन वेजिटेबल्स आपसे बोल लें। इसके लिए मैंने चिकन लिया था 3 पाव, आप देखे बोनलेस भी ले सकते हैं। हमने इसी तरह लिया था बड़े पीसीज में, बोनलेस ले लें या आप इस तरह चेस्ट पीसीज ले लें। 3 पाव तकरीबन चिकन था। इसमें मैं डालूंगी 2 गिलास पानी, फ्लेम अपनी ऑन करें, फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। और ये यकीन करें इतनी मज़ेदार डिश है, मेरे रिलेटिव्स मेरे गेस्ट मुझे कह कह के बनवाते हैं और इसकी रेसिपी पूछते हैं। प्याज मैंने लिए थे 2 अदद मीडियम साइज़ के, ओनियन 1 टेबल स्पून चॉप था, गार्लिक मैंने रखा हुआ है ये बाद में डालूंगी, नमक मिर्च डालेंगे और इसे हम कवर कर देंगे उस वक्त तक के लिए जब तक ये हमारा प्याज और चिकन गल नहीं जाता। तकरीबन 1/2 टेबल स्पून नमक आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। सूख मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, इसमें सब्ज़ मिर्च भी जाएगी इसलिए हमने इसकी क्वांटिटी कम रखी। हल्दी 1/2 टेबल स्पून, इन्हें आप करें मिक्स और ऊपर इसे कर दें कवर। 2 गिलास पानी में हमारा चिकन अच्छी तरह गल जाएगा। हमें गला हुआ चिकन चाहिए, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने यही लेना है, लेकिन इससे ज़्यादा मज़े की डिश बनती है। यकीन माने एक दफ़ा आप बनाएंगी बार बार आपका दिल करेगा इसे बनाने में। इसमें जो वेजिटेबल्स जाएंगी, गाजर मैंने 3 अदद ली थी मीडियम साइज़ की, ये देखें इस शेप में मैंने इन्हें कटिंग कर लिया था। हमारी सारी वेजिटेबल्स इसी शेप में कटिंग होगी, बारीक बारीक और लंबा लंबा आप इसे कटिंग करके रख लें। कैप्सिकम ये भी 3 अदद थी मेरी, इन्हें भी ये देखें मैंने इस शेप में बारीक कटिंग कर लिया था इनके बीज निकाल के। फूल गोभी ये 1/4 मैंने लिया था, मीडियम साइज़ की थी, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक मुट्ठी में एक आ जाए जितनी उतनी तकरीबन आप लगा लें। बंद गोभी ये तकरीबन मैंने 1/2 फूल लिया था, मेरा काफ़ी ज़रा बड़े साइज़ का फूल था। आलू मैंने तकरीबन 1/2 केजी आलू लिए। मटर मैंने 1 पाव लिए, आप इसे थोड़े से ज़्यादा भी ले सकते हैं, इसे आपने बॉईल करना है। सारी वेजिटेबल्स आपने इन्हें फ्राई करना है, आलू भी आपने चिप्स की तरह फ्राई करने हैं, जरा थोड़ा सा ब्राउन करने हैं, बाकी वेजिटेबल्स आपने बहुत ब्राउन नहीं करनी। अक्सर लोग इन्हें कच्चा डालते हैं, लेकिन आप जब इन्हें फ्राई करके डालेंगे आपको इसका फ्लेवर खुद ही पता चलेगा कितना फ़र्क आता है। कैबिज मैं फ्राई नहीं करूँगी, दम देते वक्त उसमें मैं डाल दूँगी। टमाटर इसमें जाएंगे 4 अदद, मेरा चिकन गलेगा उस वक्त उस स्टेज में मैं टमाटर और अदरक दोनों डाल दूंगी। ये देखे मैंने आलू फ्राई करना, आलू की चिप्स बनाना शुरू कर दी थी, कुछ वेजिटेबल्स मैंने साथ साथ फ्राई कर ली थी। जैसे जैसे ये होती जाएंगी हम इन्हें एक साइड पे रखते जाएंगे। मटर मैंने बॉईल करके रख लिए थे, फूल गोभी वो भी मैंने फ्राई कर ली थी। चिकन हमारा तकरीबन गलने वाला है, इस स्टेज में मैं इसमें अदरक 2 टेबल स्पून थे चॉप किए हुए और 5 अदद सब्ज़ मिर्च थी चॉप की हुई वो मैं डाल दूंगी। और अभी साथ ही मैं इसमें थोड़ी देर तक
टमाटर भी डाल दूंगी, एंड में हम लेमन जूस डालेंगे। चिकन हमारा अच्छी तरह गला हुआ है। इस स्टेज में मैं 4 अदर टमाटर, ज़रा बड़े साइज़ के थे, टमाटर की क्वांटिटी हमने ज़रा ज़्यादा रखनी है। इससे मसाला बनेगा हमारा। 2 सर्विंग स्पून कुकिंग ऑयल, 2 सर्विंग स्पून इसलिए डालेंगे हमारी सारी वेजिटेबल्स फ्राई हैं, उनमें भी घी गया, ऑयल गया हुआ है। ये देखिए चिकन को हमने इस तरह चम्मच की मदद से तोड़ लेना है, इसके रेशे बन जाए। चिकन की क्वांटिटी भी आप थोड़ी सी ज़्यादा रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं, लेकिन आप ये डिश एक दफ़ा बनाएं। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, यकीन माने वो शौक से और लगन से वेजिटेबल्स खाएंगे। इस रेसिपी को ट्राई करके एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। चिकन देखें मैंने भूनते भूनते अच्छी तरह श्रेड कर लिया था। टमाटर हमारे सारे मिक्स हो चुके हैं। अगर आपके पास टमाटर की पेस्ट है आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है। तकरीबन 5 लेमन थे जिनका जूस मैंने निकाला, ज़्यादा जूसी नहीं थे इसलिए मुझे 5 लेना पड़े। अगर ज़्यादा जूसी है तो आप ऐसे करें 2 या 3 ले। इस स्टेज में सारी वेजिटेबल्स जो मैंने फ्राई की थी, चिप्स भी जो आपने बनानी थी वो भी आपने बहुत बारीक रखनी थी। ये दम देते वक्त ही हमने डाल लिए, थोड़ी सी क्रंची रहेगी, अगर पहले डालेंगे तो फिस जाएगी। गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, फेज़ ज़ीरा 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा उससे ज़्यादा थोड़ा सा और डाल दूँगी। सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करें और दम के लिए रख दें। 5 मिनट हमने दम पे रखना है, उसके बाद धनिया डाल के इसे गार्निश करेंगे। राइस बॉईल करें या नान मंगाएं, सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार। ये हमारी आज की डिश है। एक दफ़ा बनाने के बाद आपका खुद ही दिल करेगा बार बार बनाने को। खाने में भी बहुत मज़ेदार और देखने में भी गुड लुकिंग है। फ्लेम मैंने बंद कर दी, दम हमारा आ चुका था। धनिया पर गार्निश करते हैं। अगर आप सब्ज़ मिर्च इस स्टेज में डालना चाहते हैं, अदरक डालना चाहते हैं थोड़ा सा, वो भी आप गार्निश कर दें। गार्निश करने के बाद अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आज की मज़ेदार गर्मा गर्म हमारी डिश रेडी है। दुआओं में याद रखें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह अगली मज़ेदार वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।